इंटरिम बजट था, लेकिन जो भाषण वित्त मंत्री महोदय ने दिया वो एक चुनावी भाषण लगा मुझे, एक इलेक्शन स्पीच लगा। और अपनी सरकार का गुणगान ही करना है वो तो हर सभा में नेता भाजपा के करते ही हैं, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि अंतरिम बजट में भी कुछ ऐसे कदम ले सकते थे जिसमें लोगों को राहत मिलती। ना तो उसमें महंगाई को कम करने के उपाय बताए गए हैं, ना रोजगार पर को ध्यान केंद्रित किया गया है। ले देकर सिर्फ अपना गुणगान किया है, अपनी पीठ थपथपाई है, और इस पूरे भाषण में कुछ ऐसा नया निकल कर नहीं आया जिससे जनता को कुछ उम्मीद जग सकती है। और मैं जानता हूँ कि बजट इंटरिम था, और जिस तरह सरकार कह रही है कि अगला बजट हम बाद में पेश करेंगे, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अति आत्मविश्वास दिखता है, ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है। लेकिन ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी थी सरकार के पास, वित्त मंत्री जी के पास, कि वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए कोई राहत नहीं दी गई है। और जब आप कहते हैं कि अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी चल रही है, तो जो लोग मेहनतकश लोग हैं, खासकर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लासेस हैं, स्टूडेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, उनके लिए कहीं कोई राहत, कोई हेल्प, कोई आर्थिक मदद देने का प्रावधान इस बजट में मुझे दिखा नहीं। जैसे मैंने कहा, अधिकांश बजट सिर्फ अपना गुणगान किया, अपने कार्यकाल की सफलताओं को किया, जैसे राष्ट्रपति महोदय का जो भाषण था उसको भी एक पॉलिटिकल भाषण की तरह इस्तेमाल किया। आज का जो इंटरिम भाषण स्पीच थी वो भी रहते कि पॉलिटिकल थी, और पूरी तरह चुनावों को लेकर वो भाषण दिया गया था। सर, कल राहुल गांधी